मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को जबलपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में और उनके सवालों पर कहा कि उन्हें आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए। श्री तोमर ने कहा कि 7 से 8 माह का वक्त चाहिए है, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इस दौरान पत्रकारों ने मध्य प्रदेश के बिजली सरप्लस होने जैसे सवाल, इसके बावजूद महंगी बिजली मिल रही है और तमाम तरह की बिजली विभाग से जुड़े सवालों को उठाया, जिसके जवाब स्पष्ट रूप से ऊर्जा मंत्री श्री तोमर नहीं दे पाए। उन्होंने एक ही बात बार बार कही कि अभी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, इसके बाद ही वह कुछ कह पाएंगे। अभी वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि वह अभी कुछ कह देंगे और फिर बाद में वह नहीं हुआ तो इसका जनमानस पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए वह भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री की जुबान भी फिसली और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री कह दिया। हालांकि बाद में उन्होंने इस भूल को सुधार लिया और यह भरोसा दिलाया कि अभी उन्हें पदभार संभालने कम वक्त हुआ है। जहाँ पे कोई परेशानी दिक्कत है उसको दूर करने की बात की है। दूसरा, ये मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आंतरिक खपत ना होती, मीटर रीडिंग का मीटर लगे हुए हैं उसकी रीडिंग हो, उसके आधार पर बिल उपभोक्ता को दिए। हर महीने रीडिंग होनी चाहिए, यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो। जो मीटर रीडर अगर रीडिंग नहीं कर रहा है, शिकायत आती है तो उसके खिलाफ वहां के एक जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो हमारे सब स्टेशन या ट्रांसफार्मर ओवर रेटेड है उनको, उनकी कार्ययोजना बने तो उनको हम शीघ्र पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायक की रिपोर्ट।